हाय एवरीवन आई एम सी यश होप यू आर डूइंग गुड गाइस इस वीडियो में हम लोग पेनाल्टीज याद करने वाले हैं वो भी बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से एंड इस वीडियो के एंड तक सारी पेनाल्टीज आपको याद रहेगी ठीक है बस आपको दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी फर्स्ट आपको मैं जब बोलूंगा बोलने तो साथ में बोलना पड़ेगा एंड सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ठीक है ओके सो गाइज चालू करते हैं ये जो शीट है मेरी पेनाल्टीज की ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम ए टेलीग्राम चैनल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में सो लेट स्टार्ट

सिर्फ पांच तरीके की पेनल्टीज है दैट्स इट सर हम लोग को तो बहुत डर लगता है आज तक नहीं बहुत इजी है यार देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैश लोन एडवांसिस वाली पेनल्टी ठीक है फर्स्ट है कैश लोन एडवांसिस ठीक है अब आपको मेरे साथ रिपीट करना है क्या ना लेने का ना लेने का ना देने का बोलो एक बार ना लेने का ना लेने का ना देने का एक बार और ना लेने का ना लेने का ना देने का फिर से बोलना एक बार ना लेने का ना लेने का ना देने का ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है याद हो गया न लेने का न लेने का न देने का ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब आपने बचपन में सब्जेक्ट पढ़ो एस एस टी सोशल स्टडीज बोलते थे जिसको तो वैसे याद करना है इसको एस एस टी एस 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 टी एंड टी तीन पेनल्टीज है मतलब तीन डिसउंसेस है एस 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 टी टी ठीक है क्या बोला मैंने न लेने का न लेने का न देने का टू सिक्स एस एस आप ट्वेंटी थाउजेंड और मोर किसी से ले नहीं सकते लोन और डिपॉजिट ठीक है किसी भी ट्रांजेक्शन में आप टू लाख ,00 और मोर ले नहीं सकते एस टी बोलता है एंड टी बोलता है कि लोन डिपॉजिट पे या रीपे नहीं कर सकते आप से ऊपर और और मोर ठीक है तो क्या बोला मैंने ना लेने का ना लेने का ना देने का राइट ओके ठीक है अब ना ये जो एस 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 टी और टी है इसमें होता है डिसअलाउंस इसमें क्या होता है डिसअलाउंस होता है

उजेंड टू लैक ट्वेंटी थाउजेंड एस 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 टी टी डी याद हो गया हो गया पक्का हो गया ठीक है अब दो तीन बातें सुनना कि जब सुननाटी जो लगती है ना इट इज ऑलवेस्ट हंड्रेड परसेंट ऑफ लोन अमाउंट और हंड्रेड परसेंट ऑफ अमाउंट जो रिसीव हुआ है ठीक है इसमें ट्रांजेक्शन में है ना अब लोन अमाउंट में एक इशू है इसमें क्या देखो मान लो आप लोग ट्वेंटी फोर थाउजेंड का रीपेमेंट कर रहे हो लोन डिपॉजिट पे कर रहे हो ठीक है ट्वेंटी फोर थाउजेंड का राइट तो आप बोलो डिसलाउंस तो होगा राइट होगा तो टू सिक्स नाइन टी में आप ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर पे नहीं कर सकते तो आपका ये डिसलाउंस हो गया भाई कितने का ट्वेंटी फोर थाउजेंड का होगा डिसलाउंस यस अब ना पेनल्टी कितनी लगेगी पेनाल्टी लगती है टू सेवेंटी वन ई में पेनल्टी लगती है टू सेवेंटी वन ई में तो पेनल्टी कितनी लगेगी पेनाल्टी लगेगी सर हंड्रेड परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लोन

पर जो पेनाल्टी आएगी दैट इज़ ओनली हंड्रेड परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लोन उसमें इंटरेस्ट वाला नहीं आएगा राइट ओके गॉट इट ठीक है डन अब देखो ये पहला हो गया आपका ख़त्म कौन सा कैश नो एडवास वाला न लेने का न लेने का ना देने का खत्म हो गया याद है इससे पिछले बार छः मार्क आया था पूरा और मेरे जितने बच्चे थे जितने उन्होंने देखे थे सबका छः मार्क सिक्योर हो गया था पेपर में जो कि बहुत बड़ी बात है है ना ठीक है सेकंड पढ़ते हैं बेटा अब सेकंड ना अपन लोग पढ़ेंगे कौन सी पेनल्टी टैक्स ऑडिट ऑडिट वाली टैक्स वेरी इजी तीन सेक्शन है सिर्फ तीन सेक्शन वेरी इजी आ जाओ टैक्स ऑडिट में तो टैक्स ऑडिट में देखना आप लोग कि दो पेनल्टी है टू ए टू बी क्या होता है टैक्स ऑडिट में आपको पहले बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है और फिर उसको ऑडिट कराना पड़ता है तो आपने अगर फोर्टी फोर के हिसाब से बुक्स मेंटेन नहीं की फोर्टी फोर पता है ना आपको फोर्टी फोर के हिसाब से आपने बुक मेंटेन नहीं की तो आपको पेनाल्टी लगेगी टू सेवेंटी की फोर्टी फोर डबल ए टू राइट अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाया तो आपको पेनाल्टी लगेगी टू सेवेंटी की फोर्टी फोर ए बी एंड टू दिख रहा है एंड तो मैंने क्या बोला आपने अगर बुक्स मेंटेन नहीं की एज पर सेक्शन फोर्टी डबल ए जैसी डबल ए सुना आपने तो आपको पेनाल्टी स्ट्राइक होना चाहिए टू सेवेंटी वन राइट दूसरी बात आपने ऑडिट नहीं कराया बुक्स उसकी पेनाल्टी ऑडिट नहीं कराया मतलब फोर्टी फोर ए मतलब टू सेवेंटी की पेनाल्टी राइट right. अब देखो एक अकाउंटेंट की फीस कितनी होती है सैलरी कितनी होती है उसकी अपन ने बुक्स मेंटेन नहीं की तो अपन ने क्या किया एक अकाउंटेंट को जो पैसा देने वाले थे अपन वो बचा ने तो तो उसको अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए बुक्स मेंटेन नहीं की मतलब उस, उसका पैसा बचाया तो वो अपने को पेनाल्टी लग जाएगी कितनी पच्चीस हजार की राइट याद अच्छा है कितनी पेनाल्टी भाई बुक्स मेंटेन नहीं किया तो

टू सेवन वन ए हो गया टू सेवन वन बी हो गया एक तीसरी पेनल्टी है टू ट्वेंटी वन वन फेलियर टू पे एनी टैक्स दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स टीडीएस टीसीज एडवांस टैक्स ठीक है तो कितनी लगती है पेनल्टी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं लगता आपने अगर टैक्स पे नहीं किया तो पेनाल्टी लगती है टू ट्वेंटी वन वन की कोई भी टैक्स पे नहीं किया ना तो पेनाल्टी लगती है कितनी जितना आपने टैक्स पे नहीं किया उतनी पेनाल्टी ठीक है कौन सी है टू ट्वेंटी वन वन ठीक है तीन सेक्शन है क्या बोला मैंने टू सेवेंट वन ए टू सेवेंटी वन बी एंड टू ट्वेंटी वन वन ठीक है टू सेवन वन ए वाली पेनल्टी किसकी है सर फोर्टी फोर डबल ए वाली कितनी पच्चीस हजार की राइट बोलो मेरे साथ कितनी है पच्चीस हजार की ट्वेंटी कौन सी है फोर्टी फोर ए बी में बुक्स मेंटेन नहीं की हमने क्या की नहीं की फोर्टी फोर ए बी की बुक्स मेंटेन नहीं की तो कितनी पेनल्टी हुई उसकी उसकी हुई सर पॉइंट फाइव ऑफ टर्न ओवर और मैक्स वन पॉइंट फाइव लैक नहीं फॉर्टी फोर ए बी में बुक्स ऑडिट नहीं की मैंटेन बोलते सॉरी मैंने ऑडिट नहीं कराई बुक्स अपन ने फॉर्टी फोर ए बी में तो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और ग्रो रिस वन पॉइंट फाइव लैक और टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा जितना टैक्स पे नहीं किया उतनी पेनल्टी टू ट्वेंटी वन वन में राइट याद हुआ याद हुआ यस ओके अब देखो यहां पे एक पॉइंट है मान लो असी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया है तो पेनल्टी कौन सी लगेगी देखो मेंटेन नहीं किया मतलब ऑडिट भी नहीं कराया है ना तो पेनाल्टी दोनों लगना चाहिए कि भाई टू सेवन ए मेंटेन नहीं किया और टू सेवन बी भर क्योंकि तूने बुक्स ऑडिट नहीं कराया दोनों भर अब तो इसमें एक नोट है केस लॉ है कि अससी ने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया ही नहीं तो पेनाल्टी सिर्फ टू सेवन वन ए की लगना चाहिए ठीक है टू सेवन वन बी नहीं लगेगी क्यों सर अरे भैया उसने बुक्स मेंटेन किया ही नहीं है ना तो ऑडिट कैसे करवाएगा वो तो लॉजिकल सी बात है बुक्स अगर मेंटेन ही नहीं किया तो ऑडिट कैसे कराएगा तो इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग देम ऑडिटेड डजेंट अराइज केस लो बोलता है भाई कि अगर बुक्स मेंटेन नहीं है ना तो सिर्फ ये पेनाल्टी लगेगी राइट ओके यस इस क्वेश्चन भी है एक ठीक है तो आपका सेकेंड पार्ट खत्म हो गया टैक्स ऑडिट भी खत्म हो गया अरे वाह दो पेनाल्टीज तो गई अपने को ठीक है रिवीजन करेंगे अपन आपको याद देखेंगे अपन याद है कि नहीं ठीक है ओके okay. अब तीसरी पेनाल्टी देखते हैं <laughs> कौन सी एसएफटी वाली है ना एसएफटी की पेनाल्टी देखते हैं चलो फटफट -फट देख लेते हैं आ जाओ इधर आ जाओ एस एफ टी की पेनाल्टी ठीक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अब बैंक स्कोर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द ईयर इमीजिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड थर्टी फर्स्ट मे को मतलब थर्टी फर्स्ट मे ऑफ एवाई को असेसमेंट ईयर के थर्टी फर्स्ट मे को आपको एस एफ टी फाइल करनी पड़ती है थर्टी फर्स्ट मे को आपको एस एफ टी फाइल करनी पड़ती है आपने अगर नहीं किए तो कितनी पेनल्टी है 500 पर डे इट इल ऑफ नोटिस 1000 पर डे आफ्टर एक्सपायर ऑफ नोटिस कौन से है उसमें सर सेक्शन 271 एफए एसएफटी है ना एसएफटी इसलिए 271 एफए ठीक है एसएफटी मतलब एसएफटी 271 एफए राइट right. कितनी बोलो मेरे साथ पाँच सौ पर डे फाइव हंड्रेड पर डे टिलोटिस थाउजेंड पर डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस बोलो एक बार फाइव हंड्रेड पर डे टिल टिलड ऑफ नोटिस थाउजेंड पर डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस बोलो एक बार फिर से बोलो फाइव हंड्रेड पर डे टिल ऑफ नोटिस थाउजेंड पर डे आफ्टर एक्सपरी ऑफ नोटिस अब आपको समझना पड़ेगा कि ऑफ नोटिस क्या होता है सर आपको दे देना चाहिए थर्टी फर्स्ट मे तक ठीक है आपने फाइल ही नहीं किए तो फिफ्टीन अगस्त को नोटिस आई आपको और टाइम दिया गया थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक कि थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक आप फाइल कर दो

September से फिफ्टीन लगेगा आपको थाउजेंड पर डे डेटर थर्ड फर्स्टस्ट को एक्सपायर हो गई तो फर्स्ट से 15 September तक आपको लगेगा पर 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 डे 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 याद हो गया ये याद हो गया अब देखो आपने ना इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दी ठीक है इन एकट इन इन एसेप्टी और रिपोर्टेबल अकाउंट्स टू सेवन वन एफ डबल ए टू सेवन वन एफ डबल ए ठीक है एफ में क्या था एफ में आपने फाइल ही नहीं किया अब गलत फ़ाइल कर दिया तो डबल ए गलत फ़ाइल कर दिया मतलब डबल ए की पेनल्टी ठीक है यहाँ पर कितनी थी यहाँ पे एफ थी तो सिंगल पेनल्टी थी 500 पर डे पीरियड ऑफ नोटिस और 1000 पर डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस तो एफ तो सिंगल पेनल्टी थी यहाँ पे सिंगल एफ वाली ए सिंगल ए वाली एस एफ टी एफ ए ठीक है अब यहाँ पे कौन सी है डबल ए वाली पेनल्टी एफ डबल ए क्योंकि आपने इनैक्ट इन्फॉर्मेशन की तो पेनल्टी भी डबल लगने वाली ऊपर की डबल मतलब कैसी डबल डबल कैसी देखो फाइव हंड्रेड प्लस थाउजेंड मिला के कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड आप बोलो सर ये किस मैथ से होने वाला है तो देखो मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है है ना तुमको पता है तो एकदम जो अपन जुगाड़ वाला मैथ कर रहे हैं उस हिसाब से फाइव हंड्रेड प्लस थाउजेंड होता है पचास हज़ार हमारे यहाँ होता है हमारे यहाँ ही होता है फाइव हंड्रेड प्लस थाउजेंड पचास हजार बस फिफ्टी तो पेनल्टी कितनी की क्या है 271 F, इसलिए पेनाल्टी भी क्या डबल. डबल कैसे इन दोनों ठीक है तुम बोलोगे सर ये तो बहुत स्टूपेड है तो देखो बेटा ऐसी याद होता है याद ऐसी होता है याद हुआ टू सेवन वन एफ ए क्या है सॉरी सॉक्यूरेट नहीं सॉरी आपने फेलियर टू फाइल एसएफटी ठीक है कितना फाइव हंड्रेड पर नोटिस और पेनल्टी मतलब डबल फिफ्टी थाउजेंड राइट याद हो गया भाई तीसरा भी याद हो गया खत्म अरे यार याद कैसे हो रहा है ये पेनल्टी हमको तो मतलब समझ नहीं आ रही याद कैसे हो रहा है होता है बेटा सब होता है सब कर लेंगे अपन है ना अब देखो अब लास्ट दो पेनाल्टीज बची है एक बची है बेटा ट्रांसफर प्राइजिंग की और एक बची है अंडर रिपोर्टिंग और अन डिस्कलोज वाली पेनल्टीज ठीक है बस छोटी सी बची है है ना तो अपन करते हैं अभी अंडर रिपोर्टिंग और अन डिस्क्लोज वाली पेनल्टीज अंडर रिपोर्टिंग अन डिस्क्लोज ये दो टाइप की पेनल्टीज हैं पहली पढ़ते हैं अपन टू सेवेंटी ए का अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ये टू सेवेंटी ए सेक्शन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत बार आता है क्वेश्चन वगैरह भी आता है इससे क्वेश्चन देखेंगे इसका भी ठीक है तो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ठीक है अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग

मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम जो इनकम रिपोर्ट नहीं हुई जो इनकम रिपोर्ट नहीं हुई दैट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम ठीक है तो इसका जो कंसेप्ट है और क्वेश्चन है मैं तो आपको एकदम लास्ट में कराऊंगा क्वेश्चन ठीक है अभी याद कर लो बस आप एक बार मेरे साथ कितना अंडर रिपोर्टिंग में फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स एंड मिस रिपोर्टिंग में टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स खत्म याद हो गया याद हुआ हाँ हाँ सर याद हुआ ठीक है अब देखो अब तीन पेनाल्टीज है कौन सी वाली यह अनडिसक्लोज वाली पेनाल्टीज है डिस्कलोज वाली ऐसा नाम दिया इसको नाम दिया है ठीक है अब देखो क्योंकि इसमें पहली पेनाटी है ए बी इनकम फाउंड इन सर्च सर्च अब मुझे बताओ जिसका होती है वो कौन होता है वो बदमाश होता है ना जिसके यहां सर्च होती है वो बदमाश होता है बताओ मेरे को होता है सर हाँ बदमाश होता है तो टू सेवन ए बी फॉर ये होता है बदमाश लोग जिनका सर्च होती है तो बदमाश के लिए बी बी फॉर बदमाश ये तीनों पेनाल्टीज है टू सेवन डबल ए वाली डबल ए में ए बी ए सी ए डी ए बी ए सी ए डी ठीक है ओके तो बी फॉर क्या होगा बदमाश तो अनडिसक्लोज इनकम फाउंडेशन इन सर्च इसे पेनाल्टी कितनी लगती है बेटा थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ सिक्सटीज इनकम थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ अनुज इनकम कितनी परसेंट थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ अनस्कलोज इनकम क्या बोला मैंने पहला क्या है टू साउंडोर बदमाश बदमाश लोग कौन जिसका सर्च हो रही है राइट राइट ओके अब यहां पे देखो ये है टू सेवेंटी वन ए सी अब यहां पे देखो कौन सी इसमें है ये अन अकाउंटेड इनकम ठीक है ये अन अकाउंटेड इनकम ठीक है तो अन अकाउंटेड में आपको दो बार सी दिख रहा है डबल सी अन अकाउंटेड अन अकाउंटेड डबल सी दिख रहा है इसलिए टू सेवेंटी वन ए सी राइट अन अकाउंटेड डबल सी यहां भी सी सी फॉर क्यूट है ना अनअकाउंटेड डबल सी सी राइट तो वाली वो जिसमें लगता है, ठीक है? ठीक अब मुझे बताओ वहाँ पे अपन लगा चुके हैं, तो कम लगाएंगे ना हाँ कम लगाते कितनी टेन परसेंट ऑफ टैक्स ऑनकाउंटेड इनकम कितनी टेन परसेंट सिर्फ टेन परसेंट लगाते क्योंकि बहुत लगाया हमने टैक्स बहुत लगाया ना इसलिए कम है टेन परसेंट ऑफ टैक्स इनकम अंडर सेक्शन वन बी बीवेंटी प्लस ट्वेंटी याद है है ना ओके okay. ठीक है तो ए बी और ए सी तो याद हो गया अब ए डी मतलब फॉल्स एंट्री और ओमिजन टू इवे टेक्स लाइब्रेटी तुमने फॉल्स एंट्री किया ओमिजन किया धोखा दिया मतलब तुम क्या हो धोखेबाज हो क्या हो धोखेबाज मतलब टू सेवन ए डी डी फॉर धोखेबाज कितना इसमें तुमने धोखा किया है तो पेनाल्टी जितना तुमने धोखा किया उतना लगेगा पूरा जितने अमाउंट का धोखा किया है पूरी पेनाल्टी लगेगी मतलब कितनी हंड्रेड परसेंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री खतम हंड्रेड परसेंट खतम तो मुझे बताओ एक बात कि यहाँ पे तीन पेनाल्टीज है अपन ने जो पढ़े अभी डबल ए वाली तीन पेनाल्टीज कौन सी कौन सी है ए बी ए सी ए डी अब बिना देखे मेरे साथ बोलो एक बार ए बी कौन सी बी फॉर बदमाश कौन लोग जिनका सर्च होती है बदमाश लोग होते हैं अनडिसक्लोज इनकम फाउंड इन सर्च कितनी पेनाल्टी सर थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट कितनी थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट अब थर्टी कब लगती कब लगती बताऊंगा थोड़ी देर बाद ठीक है दूसरी बात हमने कौन सी देखे टू सेवेंटी वन ए सी सी फॉर अन अकाउंटेड डबल सी ठीक है कितना ऑलरेडी इस पर सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लगा चुके हैं इसलिए पेनाल्टी कितनी टेन परसेंट ऑफ टैक्स ऑन अन अकाउंटेड इनकम राइट और तीसरी कौन सी टू सेवनटी वन ए डी डी फॉर धोखा धोखेबाज कौन है धोखेबाज जो इवेड कर रहा है टैक्स लाइबिलिटी या फिर ओमिजन कर रहा है ठीक है ओमिजन कर रहा है या फिर इवेड कर रहा है टैक्स लाइबिलिटी जितना धोखा दिया पूरी पेनाल्टी भरो हंड्रेड 100% ऑफ सच फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री राइट ओके डन है ना यस वेरी गुड तो ये तीन अपनी खत्म हो गई ठीक है तो अपना बेटा यहां पे अंडर रिपोर्टिंग और अन वाला मैटर भी खत्म हो गया क्या यस टू सेवेंटी ए हो गया और टू सेवेंटी वन ए बी ए सी ए डी तीनों हो गया राइट right? ओके okay. तो अपने चार खत्म हो गए ओ माई गॉड बीज बची है ट्रांसफर ट्रांसफरप्राइजिंग वाली आखिरी सेट ऑफ पेनल्टीज है ठीक है आ जाओ एक बार ट्रांसफर प्राइजिंग की कुछ तीन चार पेनाल्टी छोटी छोटी पेनाल्टी पहली बात सबसे पहले देखते हैं टू की पेनाल्टी कौन सी पेनाल्टी है तुमने बी ए में सी ए की रिपोर्ट नहीं दी फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ सी अंडर सेक्शन नाइनटी टू ई ठीक है फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ सी अंडर सेक्शन नाइनटी टू ई

तो सीए की फीस कितनी वन लाख तो पेनाल्टी भी उतनी वन लाख तुमने फेलियर टू तु फर्निश रिपोर्ट ऑफ सीए सीए की रिपोर्ट फर्निश नहीं की मतलब तुमने सीए की फीस बचाई दैट इज रुपीजन लाख ठीक है तो टू तुमको याद हो गई खत्म याद ठीक है अब तीन पेनाल्टीज है टू सेवन डबल ए मतलब तो एक ही पेनाल्टी है फेलियर टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट एज पर नाइन टू ड्री रिपोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड और मेंटेन फर्निश करेक्ट इंफॉर्मेशन आपने ये सब नहीं किया इसमें फेलर हुआ आपका कितने है तो ट्रांसफर प्राइस में याद रखना कितनी होती है पेनल्टी कभी भी जब आपने ये सब नहीं किया मेंटेन नहीं किया फर्निश नहीं किया तो टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी होती है दो टका दे देने का देखो इंटरनेशनल वाले ट्रांजेक्शन में आपने कोई भी गलती की ना तो गवर्नमेंट ज़्यादा नाटक नहीं करती गवर्नमेंट बोलती है काम करो तुमने नाटक तुमने नहीं किया ना दो टका हमको दे दो दो टका दो चलो चलो दो दो टका ठीक है गवर्नमेंट ने क्या की टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू तुम्हारा ले ली पेनल्टी में ठीक है तो दो पेनाल्टी पड़े अपने दो टका या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो है, 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 तो है ना पे है तो टू परसेंट इसलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अब आखिरी तीन पेनाल्टीज टू सेवन जी जी ए जी बी अब देखते हैं जी टू सेवन वन जी फेलियर टू फनिश इनफो एज पर सेक्शन नाइनटी टू डी के हिसाब से आपने इफॉर्मेशन फर्निश नहीं किए तो कितनी पेनाल्टी यहाँ भी फर्निशिंग वाला दिक्कत था तो गवर्नमेंट यहां बोले कितना दो टका दो टका टू परसेंट ओनली तो यहाँ भी टू परसेंट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ठीक है तो टू ए और जी की पेनाल्टी तो सेम है ओके अब जी ए और जी बी की बात करते हैं ठीक है अब सबसे पहले जी बी की बात करते हैं देखो आपने फेल्यर किया टू फर्निश इनैक्यूरेट मतलब फेलियर टू फर्निश किया या फिर इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग की इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप इंटरनेशनल ग्रुप के मामले में तुमने गलत काम किया तो तुमने ग्लोबल लेवल पे गलत काम किया तुमने ग्लोबल लेवल पे गलत काम किया ग्लोबल ग्लोबल तो इसलिए जी बी टू सेवेंट वन जी बी जी फॉर जी बी फॉर ग्लोबल तुमने ग्लोबल लेवल पे गलत काम किया इसलिए जी बी ठीक है अब जी बी मतलब गलत काम किया तुमने ग्लोबल लेवल पे तो पेनाल्टी भी ग्लोबल टाइप की लगना चाहिए पर नहीं चलेगा कितना फाइव थाउजेंड पर डे अप टू वन मंथ एंड आफ्टर क्या बोला right? की penality, बड़ी penality लगेगी ना? है ना फाइव थाउजेंड पर डे मंथ एंड आफ्टर ठीक है अब लास्ट है जी एब की कीटी थोड़ी सी अजीब इसको एल डी आर के लिए रखना ये जनरली याद नहीं रहती ठीक है तो जीए में टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन लगती है किसमें फेलियर टू फर्निश अंडर सेक्शन टू एटी फाइव ए जी ए में, में पेनल्टी लगती है टू टू एटी फाइव ए की फेलर में सॉरी टू एटी फाइव ए के फेलर में जी ए की पेनल्टी लगती है टू सेवन टू एटी फाइव ए के फेल्यूअर में जी ए की पेनल्टी लगती है कितना है इसमें टू परसेंट वेन ट्रांजेक्शन हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट ठीक है और फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट

इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट तो फिर नॉर्मल पेनाल्टी कितना दो टके का टू परसेंटेशन वैल्यू ठीक है तो जीए की पेनाल्टी दो पेनाल्टी है अगर तुमने नॉर्मल किए तो फाइव लाख रुपीजन राइट ऑफ मैनेजमेंट इट इज टू परसेंट राइट ओके 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 चलो तो आपको बेटा यह भी याद हो गया जी जी ए जीबी अब आपको मैं याद कराता हूं कि अपनी पूरी पेनाल्टीज खत्म हो गई क्या और तुमको याद हुई क्या ठीक है बिना देखे याद करेंगे कि देख के याद करेंगे बिना देखे बोलते हैं चलो आप ही बोलना मेरे साथ तो आपको समझ समझा कौन सी पेनल्टी याद नहीं है बिना देखे बोलेंगे फिर दिखा दूंगा एक बार ठीक है तो पहला पड़े थे अपने कैश और एडवांसेस बोलो मेरे साथ न लेने का न लेने का ना देने का बोलना पड़ेगा न लेने का न लेने, लेने का ना देने का ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड एस 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 टी टी टू सिक्सटी नाइन और पेनाल्टी क्या लगती है टू सेवेंटी वन डी डी ए राइट याद है आपको याद है ठीक है देख लो नजर घुमा लो फट से घुमा ले नजर यस दूसरी

ऑफ होगी वन पॉइंट फाइव लैख ठीक है और तीसरी मतलब, कौन सी टू ट्वेंटी भरा जितना टैक्स नहीं भरा, तो भरा उतनी पेनल्टी राइट ये तीनों पन्ने पड़े थे याद है आपको याद है याद है यस yes. याद होगा बेटा तो कॉमेंट करके बताना मुझे ना पक्का ठीक है तीसरी पेनल्टी पढ़े पढ़े पन्ने एस एफ टी की एस एफ टी पहला कौन सा है टू सेवेंट वन एफ ए कौन सी पेनल्टी है सर आपने एस एफ टी फाइल नहीं किया इसलिए कौन सी पेनल्टी एस एफ तो एफ ए फाइव हंड्रेड पर डे टिलियड ऑफ नोटिस थाउजेंड पर डे आफ्टर एक्सपायर ऑफ नोटिस और आपने अगर इनैक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी तो एफ डबल ए डबल पेनल्टी कितनी है फाइव हंड्रेड पर थाउजेंड प्लस थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड राइट ये पेनल्टी थी याद हो गई मेरे को बड़े ऐसा फीलिंग आ रही है आपको याद हो गई करके ठीक है याद हो गई फीलिंग आ रही है अंदर से यहाँ से बड़े बड़े फीलिंग आ रही है आपको चेहरे की स्माइल दिख रही है मुझे कि याद हो गई ठीक है ये भी खत्म हो गया थर्ड वाला चलो खत्म काटते जाओ फोर्थ कौन सी अंडर रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग की ए की अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग कितना ऑफ टैक्स और टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स ऑनआर आई ठीक है हाउस हाई सर ठीक है अब अंडिसक्लोज वाली देखते हैं तीन है टू सेवन वन डबल ए बी ए सी ए डी बी वाली कौन सी है बिफोर बदमाश

जितना धोखा क्या उतनी पेनाल्टी हंड्रेड परसेंट राइट याद हुई ये याद हुई है ये वेरी गुड आपके अंडर रिपोर्टिंग अंडर वाली खत्म हो गई लास्ट बची ट्रांसफर प्राइजिंग वाली उसमें क्या था याद करते हैं पहले पहले कौन सी थी टू सेवन वन बी ए में बी ए में सी वाली पेनल्टी बी ए में सी ए वाली पेनल्टी सी ए का पैसा बचाया कितना वन लाख रुपीज ठीक है फिर टू सेवन वन डबल ए मतलब दो ए मतलब टू परसेंट किसका आपने फर्निश नहीं किया दो टका देना पड़ेगा ठीक है अब तीन है टू सन जी जीए जीबी तो जी तो कौन सी है सेम है डब्लैसी टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने के हिसाब से नहीं किया जीबी कौन सा है ग्लोबल वाला ग्लोबल वाला कितना आपने इंटरनेशनल ग्रुप का सही नहीं किया कुछ की गलत रिपोर्टिंग किया। तो इसमें कितना है ग्लोबल पेनाल्टी है फाइव थाउजेंड पर डे टू वन मंथ एंड फिफ्टीन थाउजेंड पर डे दे देर आफ्टर एंड जीए कितना है जीए में पेनाल्टी है टू एट फाइव ए की उसमें दो पेनल्टी है नॉर्मली कितनी फाइव लाख रुपीज और वेन ट्रांजेक्शन हैज़ इफेक्ट ऑफ राइट ऑफ तो वन ट्रांजेक्शन हैज़ इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट देन दैन तो डू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन पर वैल्यू राइट तो जीए वाला जी बी वाला मेरे को अभी फीलिंग आया तुमको मुझे कि तुमको ये जीए वाला पेनल्टी बस याद नहीं था जी और जी ए में दिक्कत आया तुमको बाकी तुमको सब याद आ गया मुझे ऐसी फीलिंग आई ठीक है मैं समझता हूँ तुम देख रहे हो सामने समझता हूँ ये फीलिंग आ रही है मुझे समझ जाता है मुझे ठीक है तो बेटा यहाँ पर तुमको ये पेनल्टीज पूरी याद हो गई अगर बेटा पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और जितने भी दोस्त तुम्हारे शेयर करो और उनको बताओ पेनल्टीज हो सकती है ठीक है तुमको पीडीएफ जो शेयर करो हम टेलीग्राम चैनल पर वो उसमें लिखा हुआ शेयर करूंगा ये वाला ना सब लिखा हुआ शेयर करूंगा मैं ठीक है ताकि तुमको थोड़ा याद करने में आसानी हो अब बेटा कुछ बातें तुमको बतानी हो क्वेश्चन दिखाना है तुमको एक दो ठीक है अब यहाँ पे ए बी में ना सिक्सटी परसेंट थर्टी परसेंट था वो किस चीज़ का था ए बी में थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट था ये किस चीज का है सर देखो आ जाओ ए बी ठीक है है अब कब लगता सर्च में तुम्हारी इनकम पकड़ाई तो अस्सी ने क्या किया वो शरीफ बन गया शरीफ मतलब उसने एडमिट कर लिया भाई हाँ मेरी इनकम है ये मैंने उसने फिर एक्सप्लेन किया नेचर एंड सोर्स हाँ मैंने इसको यहां से कमाया फिर उस पर टैक्स और इंटरेस्ट भी पे कर दिया कि लो टैक्स और इंटरेस्ट ले लो इस इसपे और फिर जो इनकम उसने छुपाया हुआ था ना उसको उसने रिटर्न में डिस्कलोज भी कर दिया ये लो रिटर्न में दिखा दिया इनकम तो भाई इसने तो भाई सब कुछ कर लिया है सही आदमी है मतलब एडमिट किया फिर एक्सप्लेन किया कहाँ से कमाया फिर उस पर ना टैक्स और इंटरेस्ट भी भरा और ना उसको इनकम को रिटर्न में शो भी कर दिया ये चारों चीज का मतलब ये होशियार आदमी है मतलब शरीफ आदमी होशियार नहीं शरीफ आदमी है तो कितना परसेंट पेरटी थर्टी परसेंट अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं किया अगर इसमें से एक भी चीज नहीं किया मान लो ये तीन चीजें किया उसने और आखिर में रिटर्न में नहीं दिखाया तो सिक्सटी परसेंट चारों चीज में एंड लिखा है बीच में देखो अगर चारों चीजें किया ना तो कितना परसेंट थर्टी परसेंट पेनल्टी और नहीं किया तो सिक्सटी परसेंट पेनल्टी ठीक है डन है डन सिक्सटी परसेंट इवन इफ वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओके अब देखो टू सेवेंटी ए का कैलकुलेशन देख लो टू सेवेंटी ए मतलब क्या होता है सर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम अब देखो इधर आ जाओ एक बार कि यहां पे कैलकुलेशन देख लो क्या होता है ऑर्डर ऑफ असेसमेंट क्या होता है वन फोर्टी थ्री वन पहले होता है फिर होता है ठीक है 147. और उसके पहले होता है 131, 9, 131 में आप रिटर्न फाइल करते हो मान लो

ये है अंडर रिपोर्टेड इनकम ये है अंडर रिपोर्टेड इनकम अगर आपकी 1433 में 1431 से इनकम ज्यादा आ रही है ठीक है मान लो 1433 में 20 लाख थी और 147 में 30 लाख हो गई मतलब यहां भी छुपाया हो आपने छुपाया हो तो ये भी क्या कहलाएगा ये भी कहलाएगा अंडर रिपोर्टिंग तो मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो अगर आपकी वन फोर्टी सेवन में इनकम वन फोर्टी थ्री थ्री से ज्यादा है तो ये भी अंडर रिपोर्टिंग है और वन फोर्टी थ्री थ्री में वन फोर्टी थ्री वन से इनकम ज्यादा है तो ये भी आपकी अंडर रिपोर्टिंग है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक बार असेसमेंट चैप्टर पढ़ा हुआ है वन फोर्टी सेवन होता है री असेसमेंट वन फोर्टी थ्री थ्री होता है स्रूट असेसमेंट एंड वन फोर्टी थ्री वन होता है इंटीमेशन प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न राइट अब देखो एक बात अब इस पर पे सब पेनल्टी लगा हैं कैसे ईजी है एकदम तुमको ऑर्डर तो पता हो गया ऑर्डर याद हो गया वन फोर्टी थ्री वन वन फोर्टी थ्री थ्री वन फोर्टी सेवन तो अपन क्या करते हैं पेनाल्टी के लिए

आप टैक्स ऑन थर्टी लाख निकालोगे माइनस करोगे टैक्स ऑन ट्वेंटी लाख फिर आप निकालोगे मतलब तो इस टाइम पे निकालना है अगर तो टैक्स ऑन ट्वेंटी लाख माइनस टैक्स ऑन फिफ्टीन लाख और फिर जो आएगा डिफरेंस उस पर फिफ्टी परसेंट या फिर टू हंड्रेड परसेंट लगाओगे राइट right? ओके okay. अब रिटर्न अगर फाइल नहीं किया आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो भाई असेसमेंट काय में होता है आपका होता है वन फोर्टी फोर में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो वन फोर्टी फोर में होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट राइट तो आर फाइल नहीं किया आपने तो कंपनी या फर्म अगर आर फाइल नहीं करती है तो उनके केस में यू क्या होता है अंडर रिपोर्टेड इनकम जो भी इनकम असेस हुई 144 में मान लो 144 में आपकी इनकम असेस हुई कितनी 8 लाख ,00 रुपीज इनकम असेस हुई 144 में बीजेए में ठीक है तो अपन क्या बोलेंगे आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है 8 लाख ,00 रुपीज क्योंकि 8 लाख इनकम तो आप दिखाई नहीं रिटर्न फाइल नहीं किया दिखाए नहीं मतलब आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किए मतलब आपने इनकम नहीं दिखाए तो एट लैक क्या हो गई आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम ठीक है इन केस ऑफ कंपनी और फॉर्म बट अदर केसेस जो इंडिविजुअल है उनका बेसिक एक्जन लिमिट होता है ठीक है तो उसमें अंडर रिपोर्टिंग कब कहलाती है अगर आपकी इनकम बेसिक एक्जन तक है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है पर आपकी इनकम अगर बेसिक एक्जन के ऊपर है और फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया दैट इज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम दैट इज यू आर आई दैट इज अंडर रिपोर्टिंग ठीक है तो आपके लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी सर होगी वो एट लाख माइनस टू पॉइंट फाइव लैख दैट इज योर बेसिक एक्समेशन इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव लाख मान लो सीनियर सिटीजन रहा तो एट लाख माइनस थ्री लाख होगा तो फाइव लाख ,00 होगी आपकी यू अंडर रिपोर्टेड इनकम ठीक है अब फाइव पॉइंट फाइव लैख पे या फिर फाइव लैख ,00 पे अगर टैक्स निकालना है आपको तो आप कैसे निकालोगे टैक्स निकालते टाइम आपको जो इंडिविजुअल एच का निकाल रहे हो ना तो आपको पूरे एट लाख ,00 पे निकालना पड़ेगा एट लाख ,00 पे टू पॉइंट फाइव लाख तक के आपको बेसिक एक्जमिशन दोगे आप और बचे फाइव पॉइंट फाइव लाख पे टैक्स निकालोगे ठीक है मतलब जैसे निकालते हैं स्लैब में कि इसमें कितना हो गया जैसे बेसिक एक्जन हो गया फिर टू पॉइंट फाइव लाख में कितना फाइव परसेंट और बचे थ्री लाख में ट्वेंटी परसेंट ऐसे निकालोगे ठीक है ओके तो आपको टैक्स तो एट लाख पे निकालना पूरा जब टैक्स निकालोगे एट लाख पे कैलकुलेट करोगे पर आपको क्वेश्चन में पूछा अगर कि अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है इन केस ऑफ एचयूएफ तो आपको बेसिक एक्जन माइनस करना पड़ेगा यह बात ध्यान रखना ये मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग भूल ना जाओ ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है इसमें ठीक है क्वेश्चन पूछता है यू कितनी है आप बोलोगे यू लाख आई है नहीं एट लाख यू नहीं है आप इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपको एट लाख में से बेसिक एक्समुशन माइनस करना पड़ेगा फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ राइट ओके 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 अगर देखो लॉस हुआ ना तो लॉस अपन देखो कैसे करते हैं मान लो वन फोर्टी थ्री वन में एट लाख का लॉस है और वन फोर्टी थ्री थ्री में टू लैख ,00 का लॉस है लॉस कम हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ा तो डिफरेंस कितना है डिफरेंस सिक्स लैख ,00 का सिक्स लैख ,00 पर टैक्स निकालो और उस पर पेनल्टी निकाल दो ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स और टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स ठीक है ओके अब टू सेवेंटी ए सिक्स लिखा हुआ है कई जगह बोलता है केसेस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज अंडर रिपोर्टिंग ये केस कंसिडर नहीं किए जाते एज अंडर रिपोर्टिंग जहाँ पे एस ऑफर करता है एक्सप्लेनेशन या फिर जो इनकम डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट या फिर जो इनकम अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम रिप्रेजेंटेड एनी एडिशन मेड इन अ सर्च ऑपरेशन आपको याद करना क्वेश्चन <laughs> में क्या बोला रहेगा आपको रिपोर्टिंग आपको की पेनाल्टी निकालनी है एंड वहां पे ऐसा बोलेगा नर सेक्शन टू सेवेंटी ए सिक्स टू सेवेंटी एट सिक्स में कोई फॉल नहीं करता अगर टू सेवेंटी एट सिक्स में फॉल कर गया मतलब अंडर रिपोर्टिंग है नहीं पेनाल्टी लगेगी नहीं तो पेनाल्टी निकालने के लिए जरूरी है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो ना वो टू सेवेंटी एट सिक्स में फॉल करना ही नहीं चाहिए सिंपल सी बात ठीक है इजी इजी पीजी ठीक है ओके ये बात समझी तो एक बार रिपीट मतलब नहीं समझी तो रिवाइंड कर लो एक बार ठीक है ओके बाकी देखो दो है एक तो है टू सेवेंटी वन के वे कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन थर्टी फाइव और एट्टी जी अगर डिलीवर फेज टू डिलीवर प्रेसक्राइबड स्टेटमेंट इन प्रसक्राइब टाइम तो पेनाल्टी लगती है टेन थाउजेंड टू वन लैख ओके एक टू सेवेंटी टू ए की पेनाल्टी है पेनाल्टी और नॉन कम्पलाइज ऑफ योज ऑर्डर कितनी लगती है सर ये ये मिनिमम टेन थाउजेंड टू वन लाख लग सकती है और इसमें एक अमेंडमेंट भी आया बताऊँगा आपको अभी और तीसरा है टू सेवन वन एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एलेवन और टेन ट्वेंटी थ्री सी गिव्स एनी बेनिफिट टू तो रिलेटेड पर्सन जब आप बेनिफिट देते हो रिलेटेड पर्सन को राइट right? तो पेनाल्टी कितनी लगती है सर फर्स्ट वॉलेशन पे लगती है ऑफ द अमाउंट और सब्सिक्वेंट वॉलेशन पे लगती है टू हंड्रेड परसेंट ऑफ द अमाउंट राइट ये जो सेकंड केस से आ रहा था उसमें क्वेश्चन भी था इस पे है ना ट्रस्ट में आरटीपी में सेकंड केस से आ रहे हो ठीक है ओके okay. इस बार की आरटीपी में है ना तो बेटा यहाँ पे आपका पे पेनाल्टीज का सब कुछ चैप्टर खत्म हो गया ठीक है मुझे कुछ बताना है आपको यस yes. मुझे दो अमेंडमेंट वाली बातें बताना है आपको पहली बात कि ए बी ए सी और ए डी ये तीन पेनाल्टीज़ पहले सिर्फ एओ लगा सकता था अब यहाँ पर लिखा है एओ लगाएगा या फिर कमिश्नर अपीस भी लगा सकता है एओ और कमिश्नर अपीस दूसरी बात पेनाल्टी जो टू सेवेंटी टू ए सबसेक्शन टू में लगती है वो लगने लगेगी अब हंड्रेड से फाइव हंड्रेड फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज ठीक है ये नॉन कम्पलेक्स ऑफ एज ऑर्डर वाली पेनल्टीज है पर इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ओके पर अपन एक बार टू सेवेंटी टू ए सबसेक्शन टू देख लेते हैं एक बार कि कौन सी पेनल्टी है ठीक है मतलब आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर हमारा तो वो छूट गया पेनाल्टीज का आप स्टडी मैट अगर खोलेंगे ठीक है वैसे क्वेश्चन में आएगा नहीं है कहीं पे भी, भी पर एक बार अपन फिर भी देख लेते हैं टू सेवेंटी टू ए सेक्शन टू फेलियर टू कंप्लाई विथ नोटिस अंडर सेक्शन नाइन फोर सिक्स टू गिव नोटिस ऑफ डिसकिन्यूंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन टू फर्निश इन ड्यू टाइम रिटर्न स्टेटमेंट मैंशन इन वन थर्टी थ्री टू जीरो सिक्स ये क्या क्या है सब ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हंड्रेड से फाइव हंड्रेड पर डे हो गई पेनल्टी समझ लो बस या हंड्रेड फॉर एवरी डे थी अब ये फाइव हंड्रेड पर डे हो गई है ये फालतू वाली चीज़ें हैं ठीक है ये या आप याद नहीं कर सकते ठीक है बस सौ से पाँच सौ की याद रख लो ठीक है ओके एक और चीज बताना है कि फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को मिस रिपोर्टिंग भी बोलते हैं फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को मिस रिपोर्टिंग भी बोलते हैं तो पेनल्टी जो लग रही है वो लग रही है साथ में मतलब जो इसकी पेनल्टी है ना ट्रांसफर प्राइजिंग की ये तो लगने वाली है साथ में एक और पेनल्टी लगती है मिस रिपोर्टिंग कितनी टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स कितनी टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स ठीक है फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को मिस रिपोर्टिंग भी बोलते हैं ठीक है ओके okay. तो यहां बेटा सारे आपके पेनाल्टीज खत्म हो गए विद ऑल द पॉइंट्स एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी एक तो देखो ये वाला क्वेश्चन है कि आपने नोटिस इशू हुई थी आपको एस एफ टी फाइल नहीं किया आपने नोटिस इशू हुई थी अक्टूबर को और आपको बोला गया कि थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक आप फाइल कर दो एस एफ टी पर आपने फाइल किया फिफ्टीन नवंबर को तो फर्स्ट जून से थर्टी फर्स्ट अक्टूबर क्या होगा आपका पीरियड ऑफ नोटिस फर्स्ट जून से थर्टी फर्स्ट अक्टूबर वन फिफ्टी थ्री डेज इंटू फाइव हंड्रेड पेरियड ऑफ नोटिस और फर्स्ट नवंबर से फिफ्टीन नवंबर तक होगा थाउजेंड पर डे आफ्टर एक्सपायर ऑफ नोटिस ठीक है यह एक क्वेश्चन था एक आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिखा दू किसका का पेनल्टी का देखो अभी इनकम है आपकी इनकम होगी फिफ्टी लाख सिक्सटी लैख किस में वन थर्टी नाइन मन से वन फोर्टी थ्री वन में क्या ये अंडर रिपोर्टिंग है नहीं नहीं अंडर रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग कब होगी जब वन फोर्टी थ्री वन से वन फोर्टी थ्री में इनकम ज्यादा होगी सिक्सटी से जब सेवेंटी फाइव हुई तो ये है अंडर रिपोर्टिंग और जब सेवेंटी फाइव से नाइन्टी फाइव हुई तो ये भी अंडर रिपोर्टिंग है ठीक है तो देखो पहला केस में जब वन फोर्टी थ्री में ज़्यादा इनकम आई तो ये अंडर रिपोर्टिंग है तो अंडर रिपोर्ट इनकम कितनी हो गई इनका डिफरेंस फिफ्टीन लाख रुपीज़ अब निकालेंगे कैसे तो टैक्स ऑन सेवेंटी फाइव लैख माइनस टैक्स ऑन सिक्सटी लाख उसका डिफरेंस और ये अंडर रिपोर्टिंग ऐसे फिफ्टी परसेंट ठीक है सेम वन फोर्टी सेवन के टाइम पे नाइनटी फाइव हो गई सेवेंटी फाइव की तो टैक्स ऑन नाइनटी फाइव लैख माइनस टैक्स ऑन सेवन फाइव लैख ठीक है इसमें एक पॉइंट बता रहा हूं बस क्या करते हैं इसमें अपन यहां पे ना प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं देखो यहां पे ना दोनों टाइम पे अंडर रिपोर्टिंग इनकम निकाल के दिखाया है अंडर रिपोर्टिंग इनकम निकाल के दिखाया वो निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको और आपको क्या करना है टैक्स ऑन बाद वाली इनकम सेक्स ऑन फाइव वाली इनकम तो बाद वाली इनकम को आपको सेवन फाइव लैख नहीं दिखाना है ऐसा नहीं लिखना सेवन फाइव लैख का टैक्स आपको लिखना है टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम ऑफ 15 लाख प्लस टैक्स ऑन टोटल इकम 60 लाख मतलब आपको उसको 75 को 60 प्लस फिफ्टीन दिखाना है आपको ये 75 को 60 प्लस फिफ्टीन दिखाना है समझिए बात प्रेजेंटेशन की बात बोल रहा हूँ सिर्फ जहाँ पर निकाल रहा है नहीं है फिफ्टीन प्लस सिक्सटी पर टैक्स निकाल रहा है ये बात ध्यान रखना आपको याद कैसे करना है टैक्स ऑन बाद वाली इनकम माइनस पहले वाली इनकम पर बाद वाली इनकम कैसे आई सिक्सटी प्लस फिफ्टीन हो के आई ना

तो आई होप याद हो होगी पेनाल्टीज एंड इसका एक बार और वीडियो देख लोगे दो बार देख लोगे तो पूरी याद हो जाएगी पक्का पक्का एक बार में हो जाएगी पर आपने बहुत दिन पहले देखा एग्जाम के पंद्रह दिन दस दिन पहले और फिर एग्जाम के एक दिन पहले भी देख सकते हो या फिर खुद ही पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी ठीक है ऑल द बेस्ट ये चीज डाउनलोड करना मैं टेलीग्राम चैनल से और पसंद आता तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों शेयर करो क्योंकि उनको बहुत मदद होगी और ऑल द बेस्ट तुम सब कर लोगे कर लोगे तुम चिंता मत करो तुम सब कर लोगे ठीक है बाय